हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ वेरियस एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि व्हाट इज द वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए, वर्टिब्रल कॉलम इज ए कॉलम लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द डोर्सल साइड ऑफ एनिमल्स बॉडी एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ वेरियस बोन्स। मीन्स टू से एनिमल की डोर्सल सरफेस पे एक बहुत सारी बोन्स आर्टिकुलेट होके एक बोनी कॉलम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। ओके, और वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइन भी बोलते हैं। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि स्पाइन फॉर्मूला पूछे या वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला पूछे, तो एक ही बात है। और एक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि ईच बोन दैट पार्टिसिपेट इन वर्टिब्रल कॉलम दैट इज नोन एज वर्टिब्री। जितने भी वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स पार्टिसिपेट करती है उनको सेपरेटली वर्टिब्री बोलते हैं। इन जनरल फाइव टाइप की वर्टिब्री को डिस्कस किया जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री एंड कोक्सियल वर्टिब्री। ओके, तो अब हम बात करेंगे वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ ऑक्स। मीन्स टू से ऑक्स के केस में कौन सी वर्टिब्री की नंबर कितनी होती है। सभी एनिमल्स में वर्टिब्री की नंबर अलग अलग होती है। तो देखिए, अगर ऑक्स के केस में बात की जाए, C7T13L6S5 and coxial 15 to 25, मतलब ऑक्स के केस में सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर होती है 7, थोरेसिक वर्टिब्री की नंबर है 13, लंबर वर्टिब्री की नंबर है 6, सैक्रल की 5 और कोक्सियल वर्टिब्री की नंबर वेरी करती है 15 to 25। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला ऑफ हॉर्स। हॉर्स के केस में अगर हम बात करें तो इसके अंदर C7T18L6S5 और कोक्सियल 16 to 22। तो देखिए, ऑक्स में भी C7 था, हॉर्स में भी C7 था। आपको एक बात याद रखनी है, जितने भी मैमल्स होते हैं सबके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर 7 होती है, और इन केस ऑफ बर्ड्स, पोल्ट्री या फाउल की बात की जाए तो उनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर 14 होती है। ओके गाइज, तो हॉर्स का वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या है, C7T18L6S5 और कोक्सियल 16 to 22, मतलब सर्वाइकल 7, थोरेसिक 18, लंबर 6, सैक्रल 5 और कोक्सियल मैंने आपको बता दिया 16 से 22। नेक्स्ट वन इज द वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ डॉग। एज वी नो, डॉग इज ए मैमल, तो सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर 7 होनी है, क्योंकि सभी मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर कितनी है, 7। तो डॉग का वर्टिब्रल फॉर्मूला होगा C7T13L7S3 coxial 18 to 25, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रीज 7, थोरेसिक वर्टिब्रीज 13, लंबर वर्टिब्रीज 7, सैक्रल वर्टिब्रीज 3 एंड कोक्सियल वर्टिब्री की नंबर वेरी करती है 18 to 25। नेक्स्ट फोर्थ इज द वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला ऑफ पिग। पिग के केस में अगर बात की जाए, पिग इज ऑल्सो ए मैमल, तो C7T14 to 15, L6 to 7S4 coxial 18 to 24, सर्वाइकल की 7, थोरेसिक 14 to 15, लंबर वर्टिब्री की नंबर 6 से 7, सैक्रल 4, कोक्सियल वर्टिब्री की नंबर 18 से 24। आपको एक बात याद रखनी है कि सैक्रल वर्टिब्री की अगर नंबर की बात की जाए तो सबसे कम किस में होती है, डॉग में। ओनली 3 वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डॉग, और कौन सी, सैक्रल। ओके, पिक के बाद हम बात करेंगे रैबिट के केस में। तो देखिए, रैबिट इज ऑल्सो ए मैमल, तो इसमें भी C7 से स्टार्ट होगा, बिकॉज सी मीन्स टू से सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल रीजन की मैमल्स में सभी में साथ है, बार बार बोल रहा हूँ। C7T12 to 13, L6 to 7, S4 और coxial 14 to 18। ओके गाइज, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला ऑफ फाउल। फाउल के केस में मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर है 14। ओके, C14, T7, L+L14, मींस टू से फाउल और बर्ड्स के केस में लंबर और सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज्ड होती है एंड द टोटल नंबर इज 14, और कोक्सियल वर्टिब्री की नंबर वेरी करती है 4 to 9। ओके गाइज, नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन जनरल पूछे जाते हैं। तो आपको फर्स्ट याद रखना है कि मैमल्स के केस में सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर 7 होती है, और बर्ड्स के केस में सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर 14 होती है। और इन केस ऑफ फाउल, बर्ड्स, पोल्ट्री हम बात करें तो लंबर और सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज्ड होती है एंड द टोटल नंबर इज 14। ओके, और देखिए, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं
जिससे आपको काफी क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी। तो वो ट्रिक क्या है, आपको कुछ वर्ड्स एक सीक्वेंस में याद रखने हैं। फर्स्टली इज ओ डी एफ आर पी एंड एच। इसके नीचे आपको हमेशा याद रखना है, ओ के नीचे आएगा 13, डी के नीचे भी वंस अगेन 13, एफ के नीचे आपको याद रखना है 7, आर के नीचे आपको याद रखना है 12 to 13, 12 to 13, पी के नीचे आपको याद रखना है 14 to 15, और एच के नीचे आपको याद रखना है 18। ओके गाइज, देखिए इस ट्रिक के अंदर जो ये 18 है, देखिए जो ओ है, ओ मतलब ऑक्स, डी डॉग, एफ फाउल, आर रैबिट, पी पिग, एच हॉर्स, और ये जो नीचे 13 13 7, 12 13 14 15 और 18 मैंने लिखे हैं, दीज आर द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री। मीन्स टू से देखिए, ऑक्स, डॉग, रैबिट, पिग और हॉर्स, दीज ऑल आर मैमल्स, इनमें सब में सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर 7 रहेगी। फाउल के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर 14 रहेगी। उसके बाद सेकंड वर्टिब्री होती है लंबर रीजन के, लंबर वर्टिब्रीज। तो लंबर वर्टिब्रीज की अगर नंबर की बात की जाए तो ऑक्स के केस में 13, डॉग में 13, फाउल में 7, रैबिट में 12 to 13, पिग में 14 to 15 एंड हॉर्स के केस में 18। और इसके साथ आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि किसी एनिमल में जितनी थोरेसिक वर्टिब्री की नंबर होती है, उस एनिमल में उतने ही पेयर्स रिब्स की नंबर होती है। तो अब आपसे रेंडमली पूछा जाए हॉर्स के केस में कितने पेयर रिब्स है, तो 18। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि हॉर्स में कितने रिब्स है, तो आपको 18 पेयर या 36 रिब्स आंसर देना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।